एक्टिव चिल्ड्रन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि रूबिक्स क्यूब की सेकंड लेयर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने फर्स्ट लेयर कैसे सॉल्व करते हैं यह वीडियो नहीं देखी होगी तो वह जरूर देखें, और उससे भी पहले की वीडियो एक जो है एल्गोरिदम्स एंड इम्पोर्टेंट मूव्स, यानी कि उसमें मैंने इम्पोर्टेंट मूव्स और कुछ एल्गोरिदम्स के बारे में बताया है, तो फिर आपको वो सीखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसमें आपको डायरेक्टली मूव्स बताऊंगा। तो फिर चलिए इस वीडियो यह वीडियो शुरू करते हैं। तो अब मैंने यह पूरी जंबल करके ली है, अब मैं इसको पूरे वन लेयर में सॉल्व कर लूंगा और फिर हम करेंगे सेकंड लेयर को सॉल्व। तो चलिए, तो अब हमने यह पूरा एक लेयर सॉल्व किया है। तो अगर आपने एक लेयर पूरा बराबर सॉल्व किया है तो आप यह ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो आपने कलर चूज किया था वह आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा, और उसी के साथ यह ऐसे लाइंस बनेंगे, यानी कि सेंटर पीस के मैचिंग यह लाइन बनेगी और आपको ऐसे टी जैसे मिल जाएगा। तो हर एक जगह पर वैसा है अभी, और यह मैच भी है। तो अब हमें करनी है सेकंड लेयर। तो सेकंड लेयर में बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें यह सारे जो ब्लॉक्स है वह हमें जगह पर उनके उनके लगाने पड़ते हैं। तो इसके लिए तो यह मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, अब हमें ऐसे मैचिंग कलर्स ढूंढने हैं। तो यहाँ पर ब्लू है तो हम लोग ऐसे ब्लू ढूंढ लेंगे और इसके ऊपर का कलर देखना है। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको नॉन येलो कलर चूज करने हैं, यानी कि आपको अपने इसमें येलो कलर नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि येलो कलर को हम थर्ड लेयर में सॉल्व करते हैं और इसे अगर हम लोग यहाँ पर प्लेस करेंगे तो फिर आपका रूबिक्स क्यूब गलत हो जाएगा, यानी कि आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। और इसमें आपको दो केसेस दिखेंगे, या तो येलो कलर यहाँ पर होगा या तो येलो कलर यहाँ पर होगा। तो अभी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर हमने ब्लू ब्लू मैच कर लिया है। अब हम इसके ऊपर का कलर देखेंगे, तो इसके ऊपर का कलर है ऑरेंज। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इसके ऑपोजिट कलर को टर्न करेंगे। तो इस तरह टर्न कर लिया। अब हमने इसे राइट साइड में टर्न किया है, तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग एल प्राइम प्राइम यू एल U फ्रंट, हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड से किया है तो हम लोग इसे फ्रंट सीधा करेंगे। फिर हमें करना है U प्राइम, और फिर हमें करना है फ्रंट प्राइम यानी कि F प्राइम। तो फिर हमारा यह जो कलर है वह जगह पर आ जाता है, और यह भी हम लोग इसे जगह पर ला देते हैं। तो इसी तरह हमें सारे कलर्स को करके लेना है। तो चलिए हम लोग साथ में करते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज था इसलिए हम लोग ने इसे ऑरेंज के पास ले लिया है। अब हमें ढूंढना है कि इसके ऊपर का कलर कौन सा है, तो यहाँ पर है ग्रीन, तो हमें इसे इस बार राइट हैंड साइड में ही टर्न करना पड़ेगा। अब हम इसे क्या करेंगे, एल प्राइम यू एल U फ्रंट U प्राइम फ्रंट प्राइम यानी कि F प्राइम, और हमारा यह कलर जगह पर आ जाता है और हम लोग इसे भी कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। अभी हमें एक केस मिलेगी जिसमें यह कलर तो इसके जगह पर आ गया है लेकिन यह बराबर ट्विस्टेड नहीं है, तो इसके लिए हमें इसकी जगह पर कौन सा तो भी और कलर डालना पड़ेगा। तो हम लोग यह बाद में करते हैं, पहले बाकी के सारे कलर्स हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अभी यहाँ पर है रेड, और रेड का ये मैच हो गया है।
अब हम इसके ऊपर का कलर देखते हैं, तो यह है ग्रीन और यहाँ पर ग्रीन है, तो हम लोग इसे लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करेंगे। अभी इसका फॉर्मूला अलग है, तो इसका फॉर्मूला क्या है अच्छे से ध्यान देकर देख लीजिए। क्योंकि हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड में टर्न किया है, तो हम लोग इसे राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यह है आर यू प्राइम आर प्राइम यू प्राइम फ्रंट प्राइम आर नहीं यू प्राइम यू फिर फ्रंट, और हमारा यह कलर जगह पर आ जाता है और हम लोग इसे कुछ नहीं करते। अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग इसे या तो इस जगह पर पकड़ सकते हैं या तो इस जगह पर, और हमें इसकी जगह पर कौन सा तो भी ऐसा अलग येलो वाला कलर हम लोग डाल देंगे। तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला करते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा कलर डाल दिया है। अब हम वह कलर ढूंढेंगे, तो यहाँ पर यह आ गया है। अब हम इसे इसके ऊपर है ब्लू, तो हम लोग इसे राइट हैंड साइड में टर्न कर लेंगे और अभी हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे एल प्राइम यू एल यू फ्रंट फिर यू प्राइम और यह फ्रंट का उल्टा करेंगे। तो फिर इस तरह से हमारी सारी सेकेंड लेयर जो है वह कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये देखिए यह लाइन मिडल लाइन पूरी सॉल्व हो जाती है और हमारा यह रूबिक्स क्यूब का आधा पार्ट हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अब थर्ड लेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस तरह के अलग अलग वीडियोस देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके दोस्तों को भी रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना सीखना है, तो उनसे भी यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।